एज के बारे में बात करने से पहले मैं ऋशान भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली वो हमारे पेरेंट्स हैं, मेरा अपना भी इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के दौरान अब्बू मेरे साथ बैठे हों, ही नोज कि मैं गाड़ी बड़ी अच्छे चला लेता हूँ, बट स्टिल वो मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि बेटा तेज जा रहे हो, बेटा स्लो करो, एंड वल्लाह ही वो अपनी मोहब्बत की वजह से कह रहे हो। तो अली भाई, एज ग्रुप्स की जो आप बात कर रहे थे ना, मैं इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 1 to 7 यानी बच्चा जब पैदा हुआ है 7 ईयर्स तक, फिर 7 to 15 और 15 ईयर्स ऑनवर्ड। मैं समझता हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बींग ए पेरेंट सबसे पहले तो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है ना कि बच्चा अल्लाह की अमानत है हमारे पास। मोस्टली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स ये समझते हैं कि यार वो मेरा गुलाम है और वो मेरी उस पर 110% अथॉरिटी है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो अल्लाह की अमानत है, मैंने उसको तरबियत अच्छी करनी है, अच्छा उसको बड़ा करना है, और फिर मैंने अल्लाह के हवाले करना है उसको। ये एक अल्लाह ने मेरे से पूछना है इसके बारे में। तो जो फर्स्ट 7 ईयर्स है ना, मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ दैट इज़ अ एज ऑफ प्लेइंग, यानी उसमें ठीक है अथॉरिटी भी आपकी तो होती है 100% होती है, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा तो नहीं कहता ना अब्बू आप मेरा ये पैंपर इस तरह नहीं ऐसे चेंज करें या मुझे ना लगाएं पैंपर फॉर एग्जांपल, तो तब तो अथॉरिटी है उस टाइम में, मैक्सिमम आपने प्ले ही करना है, आप डांटेंगे भी नहीं इतना ज़्यादा और आप वो मतलब बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ से रोकेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं एक चीज़ एक ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने पेरेंटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। वो कहते हैं देखें छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी काम करने लगते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं नो, डोंट टच दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। वो अपने अर्ली 3 or 4 ईयर्स में सुनते ही 90% नो है हर चीज़ का, कि इधर ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, वो जाके इलेक्ट्रिसिटी के स्विच के अंदर उंगली दे दें, इट डजेंट मीन दैट। लेकिन कहने का मतलब है जो चीज़ें परमिसेबल हैं, जो चीज़ें वो कर सकते हैं इजिली सेफ लाइन में रहते हुए। इसको मैं ऐड कर दूँ ताकि ऑडियंस को पता लग जाए, एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जरूर पढ़ें पेरेंटिंग के लिए। उसमें ना वो एक स्टेज बताता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो कहता है या इस एज ग्रुप में, और वो होती है 3 to 6, या उसमें आप बच्चे में गिल्ट पैदा कर देते हैं या उसमें इनिशिएटिव पैदा कर। तो ये आपके वाली बात है, आप कंटिन्यू, क्योंकि इस एज में ना बच्चा बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। तो एक तो ये एज होगी जिसमें आपने 1 to 7, उसके बाद 7 to 15 जो एज है ना, वो ही इज टर्निंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। और हमारे दीन ने भी ये कहा ना कि नमाज के हुक्म में भी कि पहले 7 साल तक आपने सिर्फ उसको तरगीब दिलानी है, ठीक है, ठीक है। तो 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप उसको ना मैनर्स और दीन और नॉलेज जो है ना प्रॉपर उसको टीच करना शुरू करें विद लव एंड हिकमा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मतलब ये नहीं कि हमने डंडे से उसको कहना यार पुत्र तू ये नहीं कर रहा तो ये क्यों नहीं कर रहा, तो जब मैंने कहा था तूने फजर उठ के पढ़नी है 7 साल के बच्चे को, तो वो नहीं उठा तो आपने 2-3 चपेटें लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपने 7 to 15 जेंटली एंड पोलाइटली यू हैव टू टीच देम मैनर्स, और उसके बाद दीन और जो चीज़ें आपको लगता है कि यार वो इजीली ग्रैस्प कर सकता है वो चीज़ें। जिस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, उसका मफ़हूम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 चीज़ें और भी बताई थी, और इसमें ये भी स्पेसिफिकली बताया था कि अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो। एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है कबूल हो जाए आपकी दुआ, कबूल होगी फिर आप कहेंगे मेरा बच्चा ख़राब हो गया 15 साल बाद जाके, तो हो सकता है वो आपकी बद्दुआ हो जो आपने बचपन में वो छोटा था उससे में आपने आके उसको दे दी। तो ये बड़ी अच्छी आंटी ने एडिशन की है। अली भाई, बैक टू द एज ग्रुप जो मैं बताना चाह रहा था, आपने 3 चीज़ें बताई थी, इमिटेशन, रीजनिंग एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। जी, अच्छा आप खुद देखें कि जो 1 to 7 ईयर्स है ना इनिशियल, वो उनमें देखें बच्चा आपको टोटली इमिटेट करता है। आप जो कर रहे हैं आप अपनी वाइफ पे बोलेंगे ना ऊंची आवाज से, ही इज ऑब्जर्विंग, यस, और वो उसे लगेगा कि मेरा कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो मैं भी अपनी माँ पे ऐसे ही बोलूंगा तो फिर हल होगा। क्योंकि मेरी माँ भी डर गई थी फौरन, उसने फौरन से अपने शौहर की बात मान ली थी, तो अब मैं भी ऐसे करता हूँ तो वो मेरी माँ मेरी बात मान लेगी, ठीक है। तो इमिटेशन जो फर्स्ट 7 ईयर्स एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपके अपने अमाल ठीक होंगे तो बच्चे भी फिर अच्छी चीज़ कॉपी करेंगे। सेकंड जो रीजनिंग है, टीनेज, जब बच्चा टीनेज में एंटर होना शुरू होता है ना, फिर रीजनिंग है। आपसे बच्चा अगर सवाल पूछता है ना तो ये आपकी खुशकिस्मती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। वही सवाल अगर आप उसे स्नब करेंगे 2-3 दफ़ा कि तुमने क्यों क्वेश्चन कर लिया, इवन अबाउट इस्लाम, इवन अबाउट, हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ना खुद इक्विप नहीं होते नॉलेज से, दीन के भी और वैसे भी। जब बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछता है ना तो कहते हैं यार तुम्हारी हिम्मत के, तुम्हें किसने सिखाया ये, 2-3 लगा के या वैसे डांट के ना उसे चुप करा देते हैं। वही बच्चा अपने स्कूल में जाके वही सवाल अपने क्लास फेलो से पूछता है, और वो क्लास फेलो अपनी एज के मुताबिक चैट बॉक्स में पूछता है, तो वो किसी और डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं। तो आपने जो रीजनिंग थी ना उसे आपने बंद किया और वो बच्चे के लिए और रस्ते खुल गए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो 7 to 15 वाला टीनेज इसमें आ जाती है, तो आपको रीजनिंग बड़े प्यार से बड़े हौसले से बच्चे की बात सुननी है और उसको आपने गाइड करना है। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तो वो आप खुद सीखें। आप अभी से आपका आप पेरेंट बन गए हैं ना, अगर जो पेरेंट्स नए बने हैं आप यार प्रिपेयर करें अपने आप को कि मेरा बच्चा मेरे से सवाल पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, यूथ या टीनेजर्स या बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए आपको। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, यानी सदका जारी है
कि आप चले गए इस दुनिया से, आपका नेक औलाद आपके लिए दुआ करती थी, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप बगैर किसी नॉलेज के, बगैर रिसर्च के, बगैर ट्रेनिंग के करी जा रहे हैं। उसमें मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि पेरेंट्स की अथॉरिटी है ना, तो उन्होंने करेक्ट भी करना है, लेकिन ना होता ये है कि पेरेंट्स यूजुअली जब क्रिटिसाइज़ करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसका तरीका बहुत गलत होता है। यानी फॉर एग्जांपल मुझे करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे, मैं बड़ा हूँ घर में, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हूँ, सब छोटे बहन भाई के सामने मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा खासा बुरा भला कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको क्या लगता है छोटे बहन भाई, मेरी भी तो उन पर अथॉरिटी है ना एक लेवल की, अप टू सम लेवल एक्सटेंड, तो वो क्या मुझे कबूल करेंगे कि हमारा बड़ा भाई है हमारा? और ये बहुत कम, मैंने बहुत से लोगों से कंप्लेन सुनी है, टीनएजर्स से भी और एडल्ट से भी, वो कहते हैं हमारे घर में हमारा मुकाम ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं है उसकी। आपने करेक्ट करना है, बच्चे को बुलाएं, अकेले रूम में चले जाएं, प्यार से जैसे भी आपने करना है, जो भी आपका तरीका है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अलहदा होकर करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आंटी भी कह रही थी, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान आसिफ से देखिए, वो एक बात बड़ी अच्छी करते होते हैं, कहते हैं कि वो एक हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो वो कहते हैं कि क्या आपका बच्चा मुसलमान नहीं है? जबरदस्त, वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है एक्चुअली। और फॉर एग्जांपल देखें, अली भाई बड़ा कॉमन चीज़ है हमारे, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं मेरे से बड़े हैं, मैं कहीं से भी बाहर से आता हूँ, मैं कहूँगा कि अली भाई यार उठे यहाँ से, जरा मुझे जगह दे दें, अदब के खिलाफ बात है ना। हम बच्चे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, जबकि छोटे बच्चे को 3-4 साल है जो भी उसकी एज, हम कहते हैं यार इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, चल पुत्र उठ साइड, तो मैंने बैठना आके। और मैं आपको बताऊं, रिस्पेक्ट दिए बगैर आप रिस्पेक्ट ले नहीं सकते, रिस्पेक्ट एंड लव बोथ आर अर्नड। बल्कि मैं आपको ये बात, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मैंने अपने जब बच्चों से बहुत ही कोई टफ पिल जो है ना उनसे निकलवानी होती है ना, तो आई गेट ओवर रिस्पेक्टफुल, एग्जैक्टली देते थे, अपनी जगह से उठ के माथे को चूमते थे। तो ये यही बात अली भाई, कि हमें ना एक तो उनको रिस्पेक्ट देनी है और आपने मोहब्बत अर्न करनी है। नॉर्मली हमारे कल्चर में पता क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पे फर्ज है, तुमने मेरी बात की नहीं, पर कुरान की आयत भी कोट करते हैं। जी जी जी। वो सब अपनी जगह पे है, अल्लाह ने हुक्म दिए हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा पेरेंट्स ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने बच्चों को कि नहीं आपने, हमने आपके सामने अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सके हम सारी जिंदगी, हमने अपने मसले में सारी लड़ाइयों से और ऊंचा बोल के हल किया, लेकिन आप लोग जो हो ना, आप लोग नहीं अब कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ना रिस्पेक्ट दें, उनको मोहब्बत दें, फिर आप में जब कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, मोहब्बत बन जाएगी, आप लोगों का अच्छा रिलेशनशिप होगा बाप का बेटे से, माँ का बेटियों से, तो वो जो मसले मसाइल आप हमारे, हम बहुत से डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी रूट ही खत्म हो जाएगी।